that keeps us. I'm here and I'm feeling. Assalamu alaikum. क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं, हरिये से हैं सारे? कैसी लगी है ब्रैकेट फिर? मैं तो फ़ैन हो गया हूँ, प्यार हो गया मुझे, प्यार हो गया मुझे इस ब्रैकेट से। तो मैं तो बड़ी केयर कर रहा हूँ, लेकिन जितनी केयर करते हैं उतनी जल्दी ख़राब होती है। तो खैर चलें, फिर अब देखी जाएगी जो भी होगा। ट्यूनिंग यार मेरा दिल है बाइक की, करा काफ़ी टाइम हो गया नहीं कराई, अभी बैठे बैठे ना एकदम दिल कर रहा है। जल्दी जुट गया था, दोस्त ने वापस जाना है बाहर, तो उसी ने जगाया, उसे मिला हूँ, तो भी वो तो चला गया। मैं बैठा हुआ था, सोचा यार ट्यूनिंग करवा दें, इतने में गा रही था आज मैं। तो अभी यार आज धूप ही निकल रही है, बारिश थोड़ी देर बाद लग जाती है। खैर चलें, अब ट्यूनिंग तो करवाते हैं इसकी, चलते आपको ये देखो बाइक दिखाते हैं। हमारे पास एक बाइक खड़ा हुआ है, आप लोग उसे पहचानते ही होंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। और जो डेंट है यार बड़ा वीआईपी निकल गया, कोई नहीं पता लगता, बिल्कुल नहीं पता लगता। और ब्रैकेट को ही देखता जा रहा हूँ मैं तो, बड़ी प्यारी लग रही है यार। असल में इस दफ़ा ना सब्र कर लिया ना, हर दफ़ा जल्दी में लगा देते हैं, दो दिन बाद तीन दिन बाद। इस दफ़ा मैं बिज़ी था, सब्र इसलिए हो गया, नहीं तो मेरे सब्र होता नहीं है। तो बस सर्दी है, बाइक निकालता भी कम नहीं, तो इसलिए बस इस चक्कर में। तो लुक भी इंशाल्लाह इसकी जल्दी चेंज करेंगे, दिल तो पूरा है, लेकिन फ़िलहाल ट्यूनिंग ज़रूरी है। ट्यूनिंग क्योंकि अभी इंजन निकालना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया ट्यूनिंग को, टाइम ही नहीं मिल रहा। हालांकि चलना नहीं है इतना, लेकिन टाइम हो गया है। और छोटे मोटे काम ना करवा देते हैं आज, चलें चलते हैं। मैं हूँ डबल से, शोरूम से नहीं कराता ट्यूनिंग, आप लोग अक्सर कहते हैं। तो अभी चल के ये भी देखना है कि वो आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, जिधर से मैं ट्यूनिंग करवाता हूँ। तो चलते हैं, चल के देखते हैं। 5161 पहचाना है इस बाइक को? पहचान लिया होगा, साथ में लगाऊंगा तस्वीर, अगर नहीं भी पहचाना तो पहचान लेंगे। हम लोग ऐसे निकले नहीं है, और देखे बारिश आ रही है, सब घर बैठे हैं। बारिश तेज हो गई है, हमारे सारे प्लानों पे पानी फिर गया, हम लोग अंदर आए हैं, भीग गया काफी ज्यादा, नीले हो गए हैं। तो पहले के लगे पहुंच जाएंगे घर। किस्मत ख़राब ही चल रही है हमारी, इंजन खोला हुआ है इसका 70 का, उधर एक वंड साहब खड़ा है, तो ट्यूनिंग का टाइम ही नहीं मिल रहा है। मतलब से है पोस्ट होने लग रहा है आज कल ही मुझे। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा काम करवाना था, सारे नट वगैरह टाइट करवाने थे, आराम से करवा के जाना था,
तो इसलिए फिर आप फिर आराम से तो नहीं आप होता, फिर कहीं आना पड़ा। तुम कटिंग करवाने गए हुए थे यहाँ पे, कहाँ से आ गए? कटिंग हो रहा, टाइम लगेगा। हाँ ट्यूनिंग रह गई है भाई, हूँ चलिए। अच्छा या अच्छा ना अच्छा मसा 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 चाट पाई ना बंदा क्या बंदी। मैं भी अभी है भाई, मैं वो उधर से बस पीछे एक नाम लगवाना ना बहुत बिरयानी खाती है मसा फुल। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹਵਾਣਾ ਬਸ ਚੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਯਾ ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਾਣਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਯਾ ਯਾ ਫਿਰ ਜਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗਣੀ ਖਲੋਤੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗਣੀ ਜੇ ਸੀ ਐਨੀ ਕੋਈ ਮੱਧ ਸਿਸਟਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲਾ बॉटम पे ऊपर लैमिनेशन करवा देते हैं। अब कुछ ना कुछ तो करवाना ही है ना, ये यहाँ पे दूसरी तरफ लगवाते हैं। बाकी शॉक मैं फिर कभी तैयार करवाऊँगा, और इधर मुर्शिद लगवाते हैं, इधर देखते हैं नवाब लगवाना है कि नहीं, फिलहाल मुर्शिद लगवाना। हाँ मैं बैठ ना सुन पता जो पहली बार बॉटम से लवाई रो रो के तुम लाते ही नहीं, मैं लाओ जो मर्जी हो गए लैंदी है लैन तू। कौन सा लगाया जी इनमें से? वैसे दिन में तो पता नहीं लगेगा, लगेगा रात में लगेगा। कटिंग वगैरह डन, और ये देखें गिली हो गई है सीट सारी, इतनी देर से बाइक बाहर खड़ा। चलें चलते हैं घर। अब Yeah,